दोस्तों टॉस के बाद तीसरा वनडे अब शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा, ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करते हुए छक्के चौकों की बरसात कर डाली है। आखिरकार मैच की लाइव अपडेट क्या चल रही है, किसने बना लिए हैं कितने रन, क्या उतरी है प्लेइंग 11 टीम 5 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर, वो सब आपको दिखाने जा रहे हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करना। तो चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मुकाबला यहाँ इंदौर के होलकर स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहाँ भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है और यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज प्लेइंग 11 टीम में खुद रोहित शर्मा ने काफी बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि सीरीज तो भारत पहले ही जीत चुका है और ऐसे में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए रोहित शर्मा ने नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, जहाँ इस वक्त भारत की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन मैदान पर खूब छक्के चौकों की बरसात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच भारतीय टीम का स्कोर भी 7वें आसमान पर जाने की फिराक में है, क्योंकि होलकर मैदान हमेशा से ही बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बड़ी आसानी से बल्लेबाज छक्के चौकों की बरसात कर सकते हैं, क्योंकि मैदान भी छोटा है। और दोस्तों अगर आप सभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर देख सकते हो और मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर आ रही है। तो वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों मुकाबला बेहद ही यादगार है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के साथ ही भारत न्यूजीलैंड की टीम पर 3-0 से सीरीज जीत हासिल कर लेगा। और दोस्तों ये पहली बार होगा जब न्यूजीलैंड की टीम को हमने अपने ही घर में 3-0 से हराया हो, क्योंकि आज से पहले न्यूजीलैंड को हमने हराया तो है लेकिन क्लीन स्वीप आज तक हम कर नहीं पाए हैं। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर मौका होगा कि आज क्लीन स्वीप कर न्यूजीलैंड की टीम को मजा चखाया जाए और उनसे बदला पूरा किया जाए। वहीं अगर बात करें भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच जारी तीसरे वनडे मैच के बारे में तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से अब हम सभी को पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और ईशान किशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हम आपको बताते हुए चलें कि शुभमन गिल को तीसरे वनडे मैच से बाहर किया गया है, क्योंकि शुभमन गिल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब उनको आराम की जरूरत है। और दोस्तों ईशान किशन की बल्लेबाजी से हम सभी वाकिफ है कि वो 200 रन भी लगाने का दमखम रखते हैं और जिस प्रकार से आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को आगे जारी रखा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आज वो शतक तो जरूर लगाकर ही लौटेंगे। वहीं दोस्तों फिर भारत की टीम की तरफ से मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव, रजत पाटीदार, हार्दिक पांड्या मौजूद हैं और दोस्तों ये कभी भी मैच को पलट सकते हैं, इसीलिए इन पर भी आज निगाहें होंगी कि भारतीय टीम अगर ओपनिंग साझेदारी के बलबूते पर 100 या फिर 150 रनों की पारी खेल लेती है तो यहाँ पर मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को जरूर अपनी पारी पर ध्यान देना होगा और भारत के स्कोर को कम से कम 300 रनों के करीब लेकर जाना होगा। और दोस्तों अगर 300 रन भारतीय टीम एक बार बना लेती है तो इस पिच पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी ज्यादा मदद तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे गेंदबाज इतने मजबूत हैं कि वो आसानी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी आपको बताते हुए चलें कि आज मैदान पर हम सभी को उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव भी खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते टीम इंडिया गेंदबाजी में भी मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर भारतीय टीम यहाँ 350 से 400 रनों के करीब होलकर मैदान पर बना लेती है पहले बल्लेबाजी करते हुए तो यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाज आसानी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को 200 रन से पहले ही समेटने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हो कि भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।